मान पे गुस्सा आ रहल बा, वैसे ही आरती के भी अपन पति के अपमान पे गुस्सा आ रहल होगी। अरे गुस्सा में कुछ बोल देले होगी, खून के रिश्ता जरा जरा से बात पे थोड़ी टूट जाला। आखिर बहन भी आ तुहार ऐसे भी तोरा के बिना सोचे समझे हुआ जाए का जरूरत नहीं रहल। गलती आखिर दामाद जी का नहीं उनकर बाबूजी का निकलल ना। गुस्सा में आदमी हमेशा गलत फैसला करेला। उ सब हम नहीं जानत, वही जा हमार अपमान भइल बा। केहू के उनका घर जाए के जरूरत नहीं है, कार्ड भिजवा दल जाई, मन हुई तो खुद आ जाइए वो लोग, पर न्योता देवे खातिर केहू नहीं जाए। अब हमनी कर भी का सकेली, गलती तो हमनी एक बा, वजह चाहे जौन होके आरती और दामाद जी के गुस्सा जायज बा। अरे कम से कम आपके तो उन लोगों के खबर दे देवे के चाहत रहल। उस समय आपके ऑपरेशन के लेके बहुत घबराहट होत रहे, दिमाग ही काम नहीं करत रहे, और रहल बात पूजा के रिश्ता का कि एकरे पहले की रिश्ता पक्का होए का मिठाई ओकरा के भेजती, प्रभाकर हुआ पहुंच करके रहसल कसर भी पूरा कर देलस। हमरा के तो पूजा का चिंता हो रहल बा। वो कहत रहे अगर आरती दीदी बिया में नहीं आई है तो हम बिया नहीं करम। बड़ हो गई लेकिन बचपना नहीं गई लोकर। अगला हफ्ता बिया बा, आप ओकरा के समझौली नहीं का समझाई। बहिन के बिया में अगर बड़की बहिन ना आई तो दिल तो दुखबे करी ना। बस जज्बात में आके बोल देले हो कि देखी जी हमनी के कुछ ना कुछ करे के ही पड़ी। बियाह में अगर दामाद जी ना आई हैं तो अच्छा ना लगी। लोग बाग तरह तरह का बात पूछी हैं तो का समझाई। और अगर लड़का वाले पूछे लगलन तो का जवाब दे। नहीं दामाद जी के कौनो तरह से मनावे के ही पड़ी। आप ठीक कहत हैं, हम कुछ करो। हम जाए, हम मना के लाए अपन आरती पिटी और दामाद जी के। नहीं नहीं आप वहां हरगिज नहीं जाए। अभी अभी तो आपका दिल का ऑपरेशन भइल बा। अगर जीजा जी के गुस्सा शांत ना भइल ता। अरे वाह बहुत बड़ा करे जब आप तू लोगन के। इतना कुछ भइला के बाद भी हमार बेटा ऊ चौखट पर कदम रखी ई तू लोग सोच भी कैसे सकेला। भौजी हम मना कर ले रहे नु कि केहू के भी आरती दी के यहाँ जाए के कौनो जरूरत नहीं है। फिर कहे गेली ओजा